गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकेश, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री, और हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर हमारी यूनिट चल रही है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स के अंदर टॉपिक चल रहा है प्रोटोटॉपिक टोटोमेरिज या टोटोमेरिज्म इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। प्रोटोटॉपिक टोटोमेरिज्म के अंदर, इससे पहले की क्लास के अंदर हमने देखा था कि प्रोटोटॉपिक टोटोमेरिज्म क्या होता है, और इसके एग्जांपल की बात की थी कि इनॉल फॉर्म और कीटोन फॉर्म होती है, कौन कौन से कंपाउंड के अंदर इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहती है और कौन कौन से कंपाउंड के अंदर कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहती है, इन सब की हमने बात की थी। आज हम इसके और भी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। देखो, इससे पहले की क्लास के अंदर हमने बात की थी यहाँ पर कि प्रोटोटॉपिक टोटोमेरिज्म होती है वो क्या होती है। इससे पहले हमने देखा था कि इसके अंदर बहुत से एग्जांपल लिए थे हमने, इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन विच ए हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप ऑफ अ हेटेरो एटम इज प्रेजेंट ऑन अल्फा एंड गामा पोजीशन ऑफ हेटेरो एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, देन इट कैन रिप्रेजेंट प्रोटोटॉपिक टोटोमेरिज। ठीक है, अल्फा पोजीशन और गामा पोजीशन ये हमने देखा था। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का क्या पाया जाता है, ट्रांसफर पाया जाता है, अर्थात प्रोटॉन का ट्रांसफर पाया जाता है, टोटोमेरिज्म होता है, चलायुता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था। देखो, ये इसकी अल्फा पोजीशन और ये इसकी गामा पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में ये एग्जांपल लिया था 3-hydroxythiophene, इसके अंदर हमने देखा था 3-hydroxythiophene के अंदर कि इसकी जो कीटोन फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल रहती है, सॉरी इसकी जो इनॉल फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल रहती है, कीटोन फॉर्म होती है वो कम स्टेबल रहती है। उसके बाद में हमने 3-hydroxyfuran के अंदर देखा था कीटो फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल रहती है। ठीक है, तो इनके अंदर हमने एग्जाम्पल की बात की थी। उसके बाद में हमने बात की थी पायरोल होता है, जो पायरोल होता है उसके अंदर बात की थी कि पायरोल की भी जो कीटो फॉर्म होती है मोर स्टेबल रहती है। ठीक है, इनॉल फॉर्म क्या होती है, कम स्टेबल रहती है। ठीक है, अर्थात एक कीटो फॉर्म होती है उसके अंदर टोटोमेरिज्म ज़्यादा पाया जाता है, इसके अंदर कम पाया जाता है। उसके बाद में आज हम बात करेंगे, अलग अलग एग्जांपल लेंगे। आज हम 3-hydroxypyridine की बात करेंगे, तो 3-hydroxypyridine के अंदर जो टोटोमेरिज्म होता है इसके अंदर विदाउट डीलोकलाइजेशन, अर्थात इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं पाया जाता है, विदाउट पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के अंदर 3-hydroxypyridine के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटोटॉपिक टोटोमेरिज्म पाया जाता है। अर्थात 3-hydroxypyridine के अंदर होता क्या है, वो समूह होता है इसमें से एक हाइड्रोजन एटम होता है यहाँ से रिमूव होता है, और ये हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम के साथ में क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। अर्थात इनके अंदर ये कह सकते हैं, इन 3-hydroxypyridine टोटोमेरिज्म इज गिवन विदाउट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिकॉज नाइट्रोजन हैव मोर बेसिक करैक्टर देन ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन की जो बेसिक नेचर होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसके अंदर विदाउट पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के इसके अंदर प्रोटोटॉपिक टोटोमेरिज्म पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर ये कह सकते हैं, इन 1,2,4-triazole ए रैपिड इंटरकन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन बाई देयर नाइट्रोजन एटम। अर्थात 1,2,4-triazole के अंदर जो इंटरकन्वर्जन होता है हाइड्रोजन का वो तीव्र गति के साथ में होता है। अर्थात यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर इंटरकन्वर्जन की बात करते हैं 1,2,4-triazole के अंदर, तो इस प्रकार से इसके अंदर इंटरकन्वर्जन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन एटम इज ऑब्जर्व इन इंडोल इफ ओ आर ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन अल्फा पोजीशन। ठीक है, जो ओ आर ग्रुप होता है वो किसके अंदर, इंडोल के अंदर, अल्फा पोजीशन के अंदर पाया जाता है, तो हाइड्रोजन का जो ट्रांसफर होता है वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन टू कार्बन के अंदर होता है। ये नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन होता है जब ओ आर ग्रुप या ओ सी एस थ्री ग्रुप होता है वो अल्फा पोजीशन के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन का जो इंटरकन्वर्जन होता है वो
जो नाइट्रोजन से और कार्बन पर होता है, इस प्रकार से होता है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ टू पाइरिडोन एंड टू हाइड्रोक्सी पाइरिडीन, इनोल फॉर्म इज प्रेजेंट 10% एंड कीटो फॉर्म इज प्रेजेंट 90% रेशियो। जो हम बात करें इसके अंदर टू पाइरिडोन है, ठीक है। क्या है ये? टू पाइरिडोन। इसका जो रेशियो होता है, अर्थात जो टू पाइरिडोन होता है उसमें और टू हाइड्रोक्सी पाइरिडीन होता है, इसके अंदर यदि हम बात करें तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, अर्थात जो कीटो फॉर्म होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 10% और 90% का होता है। 10% और 90% का होता है। टू पाइरिडोन होता है उसका 10% और ये जो टू हाइड्रोक्सी पाइरिडीन होता है उसका 90% रेशियो होता है, अर्थात ये मोर स्टेबल रहता है और ये लेस स्टेबल रहता है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं, इन द केस ऑफ अमीनो हेटरोसाइकल्स नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन डबल बॉन्ड फॉर्म ऑलवेज, ठीक है। जो एमिनो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, अर्थात डबल बॉन्ड के साथ में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने बात की है कि प्रोटोटॉपिक टॉटोमेरिज्म होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से प्रोटोटॉपिक टॉटोमेरिज्म पाया जाता है, ठीक है। कंप्लीट रूप से हमने बात की है, अलग अलग इसके अंदर एग्जांपल लिए हमने और कंप्लीट रूप से हमने प्रोटोटॉपिक टॉटोमेरिज्म को समझा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।